ग्रेवी कर दो आ गया हो कहाँ से आए डाउन पुणे के पास डाउन डाउन बोलो ना सीधा हाँ और क्या हो रहा है कब से हो रहा है परेशानी मार्च पहला लॉकडाउन हुआ ना उस दिन से उसकी तकलीफ शुरू हुई मार्च शादी हो के नौने बस क्यों दीदी अभी यहाँ तक लाओ आगे जकड़ लो उसको अंदर से और तेज जकड़ो उसको जकड़ो उसको और तेज जकड़ लो और बुलाओ बाहर से उसको बनने वालों को तेज जकड़ के मारो उसको और तेज जकड़ो उसको जकड़ लो उसको और तेजी से बस रुको यहाँ पर पानी भी ना फिर क्या इतनी टट्टी हो बस में बुलाओ बाहर से उसको मारने आ लोग बुलाओ उसको जंजीरा डाल के मारो तेजी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम وَلَحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ قَوْمٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَ النَّجْبِ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَاللَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ خَيْبَةً وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ رَبِّنَا وَاللَّهُ شَهِدٌ عَلَى أنه كان رجال من الزياح وذن بيريد المزن فوضا مرحبا وأنهم ظنوا كما ظنتم الله وصلى الله وحكما ظنوا مصنى السماء وفدنا مولاد روح شديدا وشحوبا وأنه كنا نأخذ من حمخات للسامع فمن يستمع الآن يجد له شعبا رصدا وأنا لا ندري أشعر وطبيبا في الأرض يا مرض رشد وأنا من الصالحين منا دون الزاد كنا طرائق وعندما ظلمنا أن لن نجد الله في الأرض ولن نزع حرب وأن لما سمينا لحدا من نبيع فما يكون رب فلا تضحك ولا والله استقام للطريقة إلى سخينة من غدا خمتن فيه ومن يورث أنزق رب أدلو ومن يورث أنزق رب أدلو قد تنسى على من دم الله يا أحد من ظلم خام عبد الله يبدو كاد يكونون عليه لي بعد قل إنما قل إني لن يرجع قنطي الله من ظل لا متحد إلا بلغا من الله ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله يحمل خالدين فيها أبدا حتى خالدين فيها أبدا حتى إذا رمعت الفضي ألمنا من ندب نصر خلود قل إن أدنى قريبا ما تؤدنى ميادي اللهم بيعم التالي ملغي فلد ملغي بأحد إلا من ظلم الرسول وإنه يصل من بين يديه من خلفهم رصد ليعلم الخد أبلغ لصلاة ربهم وحط بمرض ما سقل لشيء मारो उसको जकड़ के अब तेजी से जकड़ लो उसके दोनों हाथों को और तेजी से जकड़ लो उसके हाथों को और तेजी से जकड़ दोनों हाथों को बुलाओ बाहर से मारने वाली फौज को बुलाओ उसको चिंदा करो उसको मार मार के कांच का डोर खोलो जकड़ो उसको और तेजी से लगा ले पूरी ताकत लगा पूरी जोर से सर को इधर आए ले लो सर को और जोर से लगा पूरी ताकत इधर कहाँ है अगला और
लगाओ उसके अंदर से आग तेजी से। नहीं। लगाओ उसकी पीठ को अभी तक। अरे इतर लगा रखा, डर रहा है, इतना क्यों डर रहा? हट फिर बाजू में, झगड़ा उसको तेजी से और ना रहा आपको। झगड़ा उसको और तेजी से। नाक में हो लगा जल्दी जल्दी। लगा पूरी ताकत, झिला उसके हाथों पे, लगाओ शोल्डर पे, ये दोनों से हाथों पे नीचे तक खींचो यूं पूरा। जकड़ लो ये हाथों से, तेज जकड़ो, तोड़ देंगे उसके वहां तक। लगा ले पूरी ताकत। जकड़ लो अंदर से और तेज जकड़ो, जकड़ो उसके टुकड़े करेंगे दो, और उसके दो टुकड़े करके दो तरफ फेंकेंगे उसको और तेज से। उसके पेट में से आग लगेंगे, पानी लो और उसको दम करा के पिलाओ। लो गिलास में निकालने वाला है, लो आगे। हाथा पकड़ो तुम, हाथा पकड़ो उसके, पानी डालो उसमें, कहाँ बचा पानी है उसमें, डालो बॉटल में है ना, निकला गट करके लगा के वो जो बॉटल में, चलाओ उसके पेट में से आग लगाओ, ना लाए आपके वो ताकत दिखा रहा है, झगड़ो उसको तेज से। जलाओ उसके पेट में से आग लगाओ। हाँ जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो, जकड़ लो उसको और तेज से, जकड़ लो उसको तेज से। हाँ दो टुकड़े करूँ, बुलाओ बाहर से सेना वालों को, बुलाओ उसको बंद के डालो तेज से, जकड़ लो उसको पूरी फौज को, बुलाओ तेज से, बुलाओ तेज से जकड़ो, जकड़ लो उसको और तेज से। जोर से बोल, सबको सुने आना, पूरी ताकत लगा के बोल, पूरी ताकत लगा, हाँ छोड़ना नहीं छोड़ना, क्या करने वाला था, बच्ची को मार देने वाला था, नहीं हाँ जान ले लो बोले थे,
कौन जादू चलाया था, कहाँ से जादू चलाया था? खबरस्तान से, मस्सन वाटिया से? कहाँ से आया था तू? कौन है? खबरस्तान। हाँ चल, सब सही से बोल, कहाँ से आया था? हाँ क्या पूछा मैं जवाब? अच्छा देखो, लेकर आए थे, तू नहीं आया था, जबरदस्ती लाए थे। हाँ कौन लाया था? वो औरत ने ली थी, आदमी ने लाया था? इसके बच्ची के माँ के तरफ के, ससुराल की तरफ के लोग आए? किसने लाया था, किसने लाया था? जल्दी बोल, देखा ना अभी कैसी ताकत है, तो पूरा मार के भस्म कर दूंगा। थोड़ी थोड़ी सही से बोल, फिर छोड़ूंगा मैं तुझे। हाँ चल, हाँ बोल, क्या बोले थे? बच्ची को चुरा चुरा के, कमजोर करके, बीमार उतार के मारो बोले। क्या अलग करना है? जोर से बोल, सबको सुने आना, मुझे सुनने आ रहा, दूसरों क्या सुनेगा? जोर से बोल, क्या बोले थे? अलग करना है। हाँ और क्या अलग करना है? क्या क्या बोले थे? कैसा परेशान करो बोले थे? शोहर से। हाँ और क्या बोले थे? और क्या बोले थे? कमजोरी। कैसी कमजोरी? क्या कमजोरी? क्या बोले थे? मियां भी झगड़े लगाओ बोले थे? हाँ दोनों का तलाक कर दो बोले थे? क्या बोले थे बे? जोर से बोल नालायक। ये उसके नाक से गिर रहा है, ये दिमाग में बिठा वाला था। निकल 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 बाहर, निकल निकालो उसके दिमाग में, तो पूरा खींच के निकालो। अभी जरूरत नहीं है, वो आगे रहता हो जरूरत पड़ी तो। अरे अभी बता रहे तुम्हारा खाली ट्रेला, झगड़ो उसको और तेजी से। चल लगा पूरी ताकत, लगा जोर से, जोर से। क्या बोले थे उसके छोटे बच्चों को मार दो बोले? क्या बच्चे नहीं होंगे हुए के? कितने बच्चे? नहीं शादी हो क्या? अभी 9 महीने हुए, बच्चे भी नहीं होना बोल के जादू कर रहे थे। अरे ना पाकी में भेजी। क्या कर रहे थे तुझे उसके इसमें? ना पाकी में भेजते थे? हाँ क्या पूछा मैं जवाब, जल्दी, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास। टाइमिंग नहीं आ रहा, स्टाफ नहीं कर रहा, आने के बाद ऐसे। हाँ बोल रहे जल्दी। अच्छे वहाँ पे 200 100 नंबर जो भी लिख के आया ना उसमें डिजिट में, तुम्हें भी बोला 5 मिनट लगेंगे इस काम में। बोल जल्दी। अबे इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास, अभी काट दूंगा नालायक, जल्दी बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भड़काऊं और तेजी से? लगाऊं तेजी से आप? हाँ चल फिर फट फट सवालों के जवाब दे, चला जल्दी। कितने साल से, कितने महीनों से, कब का है तू? शादी से पहले का है, शादी की बात का है बच्ची के? शादी के बाद। पहले का है, बात का है? अच्छा कहाँ से लाए थे तुझे पकड़ के? उसके ससुराल के लोगों ने लाए थे क्या, उसके मायके के लोगों ने लाए थे? ससुराल। कौन लाए थे? कौन लाए थे? औरत थी, आदमी था वो? अबे कौन लाए थे जल्दी बोल, नहीं तो अभी टुकड़ा कर दूंगा। दोनों। कौन है वो दोनों? लड़की थी कोई लाने वाली या फिर बुढ़ी औरत थी? कौन थी? जादूगर को कितने पैसे दिए थे? क्या जल्दी बता। हाँ कितने पैसे दिए थे जादूगर को, जल्दी बता, कितना पैसा दिए थे जादूगर को? नहीं
जादूगर कहाँ रहता, कौन से गांव का है वो? गांव का नाम बोल जल्दी। घर के सामने थे। अच्छा, क्या नाम है उसका? हिंदू का है मुसलमान का है? कौन है वो, हिंदू है मुसलमान है? जल्दी। मुस्लिम। ये बच्ची को किस चीज में मिला के खिलाए थे? हाँ, किस चीज में मिला के खिलाए थे? जल्दी। हाँ, किस चीज में मिला के खिलाए थे उसको? हाँ, मैदा। क्या मैदा? वो क्या रहता? अच्छा, कहाँ खिलाए थे उसको? ससुराल में, मायके में? ससुराल। कितना वक्त होगा खिलाकर? 9 महीने। अच्छा, तो उसकी शादी में खिलाए, जुमागियों में खिलाए, सांचक में, कह में, क्या घर में, सादे टन में? हाँ, घर में। अच्छा, तू क्या करने वाला था? तुझे क्या ड्यूटी दिए थे? संसार तोड़ के खत्म कर दे बोले थे? हाँ, जोर से बोल, क्या बोले थे? क्या बोले थे? हाँ, लगा पूरी ताकत, लगा पूरी ताकत लगा। हाँ, क्या बोले थे? हाँ, नस्तिक नहीं आने देने का। हाँ, क्या बोले थे? नस्तिक नहीं आने देना। अच्छा, मियाँ को नजदीक नहीं आने देना बच्ची ने, ऐसा तू कर रहा था अंदर बैठ के? ये दिमाग से नहीं कर रहा है, दिमाग में बैठा था नजले की शक्ल में उसके, ये दिमाग में बैठा लगा घुस के पूरा। हाँ, गिराओ गिराओ, सारी दवा गिराओ उसके दिमाग में, चढ़ा दिए थे। कैमरा सीधा मारे कैमरे वाले। हाँ, निकालते रहो, हाँ निकालते रहो तेजी से। तो ये ऐसा रहता दिमाग में बैठा थे उसके, दिमाग में दर्द वो कुछ होता था क्या? बार बार सर दुखता। क्या होता था? सर दुखता था उसको बार बार, चक्कर आना, ये बेहोश। चलाओ, क्या रे, सर में दर्द करता था तू उसके? सर में चढ़ के बैठा था तू ऊपर से? हाँ, क्या पूछा मुझे जवाब, जल्दी, टाइम नहीं रहता मेरे पास। बच्चे भी नहीं होने दे रहा था तू, और बीमारियां क्या क्या लगा रहा था बच्ची को? और हाँ, चलने नहीं आता। हाँ, चलने नहीं देता। हाँ, और जल्दी, टाइम नहीं रहता मेरे पास, काट दूंगा मैं जल्दी, फटफट बोल, फिर छोड़ दो। हाँ, और क्या बीमारी लगा रहा था? गुस्सा। हाँ, और बदसलूकी। हाँ, और शोहर से नफरत। सबसे दूर। और उसके शोहर को भी खिलाए थे क्या? क्या जबान से बोल, खिलाए थे उसके शोहर को? कहीं मिला खिलाए थे? हाँ, खिलाए इतना मालूम, मगर कहीं नहीं खिलाए वो तुझे नहीं मन, कहीं मिला खिलाए तो उसको किस वास्ते खिलाए थे उसके शोहर को? हाँ, छोड़ना। हाँ, और तो क्या करूं तेरे साथ सुनू का, तुझे उतार दूं शीशी के अंदर पकड़ के, मार मार के कैद करूं, गाड़ू जमीन में, क्या अंगूठी के अंदर उतारूं? बोल रहे नाला, क्या करना अब तेरे साथ, क्या सुलूक करना? छोड़ना नहीं छोड़ना, छोड़, छोड़ना नहीं छोड़ना, छोड़। सतेंगे दोबारा, दवा काट के आई दिमाग में कलेजे में। और कुछ पूछा नहीं क्या? ना, फोन करे वो पूछे नाम? हाँ,
इससे पहले नाम नहीं बोला क्या? नहीं नहीं, दूसरा क्या क्या बोलती थी? पहले हाजिर होता था क्या? हाँ। क्या बोलता था हाजिर होके? लड़की है मेरा, रेप करे से 9-10 जन है, उनसे मैं इसको बचा रही, मैं दूर कर्नाटक से आई, पानी भरने जा रही। हाँ। अब देख काट देंगे उसको, भस्म करेंगे उसको। कर दूं टुकड़े? नहीं। चल नाम बता, मैं कौन भेजे उसका नाम बोल। कौन लोगों ने खिलाया वो नाम बोल उनका। उसका शोहर पूछ रहा बैठ के वो, और उसकी कौन है वो तुमको ने? उसकी माँ और उसका शोहर पूछ रहा। चल बोल कौन छोड़े? नजदीक तक बैठने नहीं देते। कहाँ उसका शोहर? एक है। हाँ चल बोल। हाथ तो लगाना तो। उसका शोहर पूछ रहा है कौन छोड़ा था वो, उसका नाम बोलने का। अभी तो काट देता हूँ मैं। तुम कौन है? मास नहीं करे। जल्दी बोल। कौन कौन दाली? कौन दाली? बेबस। हाँ क्या नाम उसका? देख मैं दो टुकड़े कर दूंगा जल्दी। हाँ पूरा लूट पूरा। हाँ बोल जल्दी। हाँ जल्दी। ये नाक की तरफ मारी, दिमाग में से निकल रहा, दिमाग में बैठा उसको। ये दिमाग में से देखो अब ये कौन सा इल्म है अल्लाह ने दिया। देखे बहुत सारे राज है दुनिया में, तुम्हारे लोगों को क्या मालूम, बेवकूफ जनता देश की। निकालो उसके दिमाग में से मार के पूरा। दिमाग में बैठ के मस्तियां कर रहा था वो। कौन डाला था उसको? क्या नाम है उसका? नाम बोलने तो मैं तेरे दो टुकड़े कर देता हूँ अभी। हाँ जल्दी। हाँ हाँ बोल बोल जल्दी। नाम ले तो टुकड़े करता हूँ। हाँ बोल नाम। नाम बोल। नाम बोल जल्दी बोल। हाँ कौन है वो? नाम बोल कौन है वो? हाँ कौन है वो? औरत है आदमी है? कौन है जल्दी बोल। दोनों मिल के कर रहे। क्या नाम है उनके? नाम उनके हाथ से वफादारी मत कर तू। नाम बोल। उसका शोहर पूछ रहा नाम, और उसकी माँ पूछने को बैठी वहाँ। देखो दोनों लोग उन्होंने बोल रहे मेरे को पूछाओ, मेरा काम है पूछना, मैं क्या करूँ फिर? अब बोलना पड़ता तुझे, नहीं बोला तो मैं तेरे पूरे टुकड़े कर दूंगा। हाँ बोल। हाँ बोल। हाँ जोर से बोल। हाँ जोर से बोल, सबको सुने आना उनका नाम कौन है वो। बोल नाम बोलने तो दो टुकड़े कर दूंगा जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं होता। सॉरी नाम बोल। हाँ बोल बोल बोल। बोलना पड़ता देखो, पूरा मार के पसंद कर देते। हाँ बोल नाम बोल। हाँ कौन छोड़ा था? शाहिद। कौन? जोर से बोल सबको सुने आना। शाहिद। हाँ और उसके साथ कौन मिला रहा था? पंखे की स्पीड कम करो। हाँ और कौन मिला रहा था उसके साथ? उसका शोर। क्या नाम है उसका? नाक की तरफ मत, नाक में उसका सा निकल रहा हो। ये दिमाग में बिठाई वाली दवा थी। दवा तीन किस्म की थी, कोई कलेजे पर रहती, कोई पेट में रहती, कोई दिमाग में रहती। सब अलग अलग निज़ाम है अल्लाह का। क्या बोलिए अल्लाह जकड़ लो और तेजी से नाक की तरफ फोकस उसके। दस्ती किसके पास है रे? दस्ती जब से देखते बैठ रहे क्या? फिर दस्ती निकालने का ना फट बोल के। पकड़ 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 उसकी मुंडियाँ। बहुत अभी तो बहुत निकलने वाला है, अभी तो बताया खाली मैं तुम्हारा ट्रेल है, पूरा निकालना पड़ता सही तरीके से। जकड़ लो उसको तेजी से मारो। और क्या पूछाने का है? होगा क्या? हाँ नहीं शोहर को अपनाएंगी क्या? नहीं नजदीक आने से जब जला के राख करेंगे तुम ना सब राइट। दिमाग नहीं चल रहा क्या? बाला क्या धूप में पका के आए क्या तुम? हाँ जकड़ो उसको और तेज से। कहाँ से लाए थे तुझे? हाँ, वो किसके पास से करा है वो भी पूछो। जादूगर कौन था? क्या नाम है उसका? तेरे मालिक का नाम
नाम क्या दो क्या कुछ नगर काम बात है। हाँ चलो उसको बन के डाल दो और उसको मारते रहो, उसको तेजी से उसको खत्म करो, जलाने की तैयारी करो, उसके सब सामान अलग जलाओ, उसको तेजी से जकड़ के रखो उसको, उसको जला के राख करेंगे, उसको जलाने की तैयारी करो पूरी तेजी से। और घोरा कह रहे ठंडा हो ऐसी कर दी क्या थोड़ा, ये देख रहे उसको समझ रहा नहीं क्या उधर जाके उन्हें कुरान नमाज नहीं पढ़ी थी क्या? नहीं आजान की तक रकात आने नहीं देती थी उन्हें, आज जब से मेरी नमाज नहीं हो रही। तुम क्यों है पढ़ रहे नमाज? हाँ वो पढ़ने देती नहीं थी। नमाज माफ करके लाइक क्या दिखा दी? नहीं जी अभी ऐसे हालत है तो कैसा करना, कुछ सूझने से तेरा नहीं, मेरे को कैसा जाओ उसके साथ में रह के। ज्यादा ज्यादा नमाज पढ़ना इबादत करना कुरान पढ़ना गलत बात है, वैसा झगड़ो इसको मार दे रहा इसको तेजी से। अब क्या करूँ उसको लुक तेरे साथ बोल, छोड़ दू क्या मार दू? छोड़ देना पसंद कर देना, जोर से बोल, जोर से सुने आना मुझे पूरी ताकत लगा के, पूरी ताकत लगा, इसको ताकत बोलते क्या कमी नहीं, जितना शैतानी ताकत है उतनी लगा के बोल तो छोड़ूंगा, जकड़ लो उसको और तेज से लगा पूरी ताकत लगा जोर से। हाजिर हुआ तो तीन तीन दिन पे घुस रही खाना में पानी, सवाल जवाब करता था क्या पहले कुछ नहीं? ओ ऐसा बोली नहीं क्या? वो है ये मामा मामा नहीं बोलता था? हाँ बोली थी क्या? साजिदा नाम बोली थी। वो कौन है? अभी निकला ना नाम कौन है? अब देखो मेरा कुछ नहीं है उसके इधर मर के, मेरे को उन्होंने बोले पूछा हो मेरा क्या है, मैंने पढ़ा पढ़ के दम करा जो भी है कुरान पढ़ा सबने देखे, उन्हें हाजिर हुआ, हाजिर होकर जो भी सवाल जवाब हुए सब सामने लाइव प्रोग्राम हुआ जितना भी है तो उसमें सब रिकॉर्ड है। अब मुझे नहीं पता उन्हें किसके नाम ले रहा है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी को पहचानता नहीं, जो भी है उसके आमने का आया उस शय ने बोला नाम, अब तुम जानो उन्हें जाने, क्योंकि मैं किसी का ऐसा वो नहीं, वो उनके अम्मा उनका शोहर फोर्स करा बोल के मैंने पूछा या मैं तो मैं पूछा था भी नहीं था, जला के रख कर देता। चलो उसको जकड़ लो उसको तेजी से, चल रहे छोड़ दूं क्या मार दूं? चल दोनों हाथ उठा ऊपर, तोबा तोबा कर जल्दी मेरे सामने, और भी जोर से अल्डा के तोबा कर, मेरे को सुने आना। हाँ तुम अपने को गुमराह करने झूठ तो नहीं बोल रही? ऐसा रहे तक मार पड़ी ना उसको, इंसानों के शैतान दोनों को भी जब तक मारते नहीं जब तक सही बोलते नहीं हो दोनों भी लोग। चोरी करा तो चोर क्या बोलता क्या? मैं चोरी करा, दो झापड़ लगे पुलिस तो फिर बोलता हूँ चोरी करा, तो ऐसा शैतान का भी आलम होता रहता, जहाँ हंसता टिल्लर या करता हूँ वहाँ मजे लेता हूँ सबके और झूठ बोलता, जहाँ उसको मार पड़ती चाहे वो इंसान रहो के शैतान हो जाए मार पड़ी तो फिर सही बोलते, दोनों की भी फितरत सेम है। तुम्हारा कुछ पूछा हमने एक बार बोल नाम बोल कौन छोड़ा था तुझे नाम बोल सही सही। देखो उधर वो बटियाले बड़ी भी बोल रहे तू झूठ बोल रहा करते हाँ सही बोल जोर से बोल उधर देख के बोल सही बोल रहा है गलत बोल रहा हूँ उनकी तरफ सही बोल रहा। अभी तक झूठ बोला था दूसरा नामा पहले लोगों के पास में पहले भी लेता था बोल रहा हूँ किसके तो भी नामा कहा लेता था उन्हें के सामने एक मौलाना है वहाँ हाजिर करते थे तो उनके सामने बोल रहा था मैं लड़की है इसको मैं छोड़ने वाली लेके जाने वाली हाँ रे हाँ मजे ले रहा था उनके बैठ के तू हाँ मेरे को ये सबके सामने सही थोड़ी बोलते उनके मजे ले रहा था हाँ मेरी बच्ची जिंदा लाश के जैसी है जिंदा लाश के जैसी है घर में कुछ नहीं उसको यहाँ सब राइट कराते अल्लाह करम से सब अलग अलग तरीके रखते हैं तरीका उस तरीके से अमल करो अल्लाह के फजल करम से सब दुरुस्त करेंगे। देख लिए ना अभी क्या आलम है ना दवा कहाँ बैठी आ ली थी तो निकली थी क्या इससे पहले दिमाग में से दवा गिरी क्या कोई मौलाना के सामने कोई इलाज वाले के सब इलाज वालों को बात आते बड़े बड़े करने किसको इलाज नहीं आता जिन्नात से शैतान से खेटना क्या मजाक है क्या ऐसा मारते जिन्नात शैतान घेर के संडासों में तो कब्रस्तानों में तो रोड़ो पे कहीं पे पकड़ के एक्सीडेंट करके घेर के मार देते शैतान इतने खतरनाक करते सबके बस की बात नहीं अल्लाह जिसके पास फौज देता हूँ नहीं इलाज कर सकता बाकी कोई थोड़ी छेड़ सकता हूँ सुने ना कहाँ से लाए उसको सुन लिए ना जिन अलग रहता है लाए वाला शैतान अलग रहता दोनों में अलग अलग डिफरेंस रहता जमीन और आसमान का फर्क है। क्या करूँ रे छोड़ू क्या मार दू तुझे कर दू भसम कर दू क्या पूरा भसम बोल कर दू पूरा भसम
किस चीज में मिला खिलाए थे बोला? हाँ मैदा। जादूगर कितने रुपए दिए थे जादू करने के लिए? हाँ कितने रुपए दिए थे? नहीं मालूम। तुझे खाली लालिया हम पकड़ के हुक्म दे दिया। चलो ठीक है, इसको जकड़ लो, इसको तेज से इसकी जितनी भी दवाई पेट में सब निकाल के बाहर फेंको। और अगर इन्हें नहीं गया सीधा इज्जत से, तो इसको आज रात 12 बजे के बाद से फिर जंजीरा डाल देना, माओ खा दो उसको, या 24 घंटे के बाद उसको जंजीरा डाल देना। दूसरे दिन रात में 12 बजे के बाद उसको जंजीरा डालो। अगर उन्हें क्या बोलते तो नहीं गा तो जकड़ लो उसको और जकड़ के खत्म करने की तैयारी करो। माओ खा दो उसको बच के भागने का। चल भाग भाग अंदर रात में अंदर रात। चल भाग जा जा छोड़ने का हुक्म दे। भाग भाग चाहिए हट हट पीछे से। ये वो आपको कहीं बुलाई थी उसको? उल्टे काम कर रहा बैठ के वहां पे। सर कौन से हट रास्ता छोड़ उसको। इधर आ रास्ते में। भाग रे भाग रिटर्न। पांडे सारी दवा भी निकालने की तैयारी करो, स्वीकार वही पूरी। और शैतान को 24 घंटे का माफ़ होता, अगर उन्हें नहीं गया फिर वो जो भी है सभी सब कुछ जकड़ के खत्म कर दो, जंजीर डाल के जकड़ लो, फिर उनको खत्म करने की कारवाई करेंगे। अरे फरत, अरे फरत, अरे क्या होगा, अरे 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 फरत भी क्या होगा। उसको तो उल्टे काम करने की आदत हो गई, उसको बिठा रहे। कौन है वो? उसका भाई है। बिठा उसको, मैसेज कर पाते हैं। अरे फरक पानी पे क्या होगा था। हाँ इबादत ज्यादा से ज्यादा करना, नमाज पढ़ना मामूल। इधर से कैमरे वाले उधर जाए। एक मामूल बनाना इबादत का, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो। रुकमार की सब ऐसे हरकतें नहीं होंगी। और जो कोई भी जिस किसी के ऊपर जो कुछ भी कर रहे जादू को ना, तो तुम लोग कुछ नहीं जानते जादू टोने की दुनिया के बारे में। दुनिया क्या है, अल्लाह ने कैसे अमल बनाया, कितने किस्म के अमल है, कौन सा अमल कैसा चलता, वार कैसा होता, शैतान कैसा पकड़ा जाता, जिन्नात कैसा पकड़ते, चुड़ैल कैसा पकड़ते, मरे वाले की बदरू कैसी उठाते, हमजाद कैसा उठाते, मिनहा खलकनकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और जो मट्टी डालते तो उसमें क्या होता, हर चीज बता मिले। साथ हमजाद कैसे दब जाते, फिर कौन सी चीज रहती, कहाँ से उठा के लाते, किसी को कैसा मारते, किसी को कैसी बीमारी लगाते, किसी की कैसी बीमारी ट्रांसफर करते, खुद की बीमारी दूसरे पे कैसे डाल देते, हर चीज का इल्म दिया अल्लाह ने। मगर मैंने करा के किसी को जुल्म दिया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देना। जुल्म बहुत गलत 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 बात है। जुल्म नहीं करना, किसी से बदला लेने की नहीं सोचना। बदला लेने वाली जात सबसे बड़ी अल्लाह की है। अल्लाह पे सौंप देना कि अल्लाह तू बदला ले, इतना खतरनाक तरीके से फिर उन्हें बदला लेता जब उस पर सौंप दिए तो फिर कोई बचाने को नहीं आ सकता, जब अल्लाह बदला लेने के इस्तेमाल डाल में आया। और तुम अगर खुद बदला लेने जाएंगे तो तुमको पूरी दुनिया मिलके भी क्या कुछ, तुम किसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे साथ में पूरी दुनिया भी रही, पूरी दुनिया मिलके तुम सब मिलके भी बदला ले रहे हो, पूरी फौजें ताकत सब। और उसके साथ में अगर अल्लाह है तो तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, सामने वाले का बाल भी बाका नहीं कर सकते। क्योंकि हर चीज पे, जानदार पे तो जानदार पे, बेजान पे, और हर चीज पे अल्लाह की हुकूमत है। हर वो चीज पे अल्लाह, हर चीज अल्लाह के हुक्म की गुलाम है। इसलिए ऐसी हरकतें नहीं करना। तुम ऐसा करने से तुम ये नहीं सोच रहे कि तुम्हारे आखिरत बर्बाद हो जा रहे। जरी सर की चीड़, जरी सर की जलन, असदा क्या है तो समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया में क्या मामूल चल रहा। तुम कैसा है, नफसी नफसी कर रहे, तुम्हारी नफ्स तुम पे गालिब हो गई। और तुम्हारी नफ्स तुम पर जब गालिब हो गई तो शैतानी वसवसे तुम्हें ऐसे काम कर रहे, जाके जादू टोने। बहुत गलत 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 बात है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जा रही और आखिरत भी बर्बाद हो जा रही। फिर क्या करेंगे अगर हश्र के दिन तुम्हारे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोल दिया, जाओ तुम मम्मी से नहीं, मैं तुम्हारी शफाअत नहीं करूँगा,
कहाँ जाते, किसके पास जाने वाले? सारे नबियों के नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1,24,000 अंबिया को भी आपसे आस लगे वाली रहेगी बख्शा के लेने की, क्योंकि हर पैगंबर से कुछ ना कुछ गलती होगी। लोग ईसा अलैहिस्सलाम, लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, चलो अल्लाह का पहला बंदा है और पहला नबी, उससे अल्लाह को कहकर अल्लाह उनका सुन लेगा और हमको भी बख्श देंगे। आश्र के दिन जब अल्लाह जलाल में रहेगा तो लोग वहाँ पहुँचेंगे, तो आदम अलैहिस्सलाम बोलेंगे जाओ जाओ, मैं मेरे परेशानी में हूँ, मैंने जन्नत में गंदुम खाया था, कहाँ मुझे उस बात की पूछ होती कि बोल के अल्लाह के सामने। फिर वहाँ से निकलते निकलते लोग मूसा तक अलैहिस्सलाम तक पहुँच गए। मूसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे जाओ जाओ, मैं तुम्हारी कहाँ से सिफारिश करूंगा, मैं खुद परेशान हूँ, मैंने एक बुक्का मारकर उस काफिर शख्स को खत्म कर दिया था, बाकी आप पढ़ो मालूम होता तो वो शख्स खत्म होगा था बेगुना, तो कहाँ मुझे अल्लाह उस बात से पकड़ में ले सकता कि बोल के मैं परेशान हूँ। जब लास्ट में सबको ख्याल आएगा कि अव्वल व आखिर खातिमुज़्ज़मा पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलो, उन्होंने बख्शेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे तो सरकार फिर सजदे में चले जाएंगे, सजदे में जाकर इतना रोएंगे कि जमीन नम हो जाएगी, जमीन बोलेंगे अल्लाह देख तेरा हबीब सजदे में कितना रो रहा है, अल्लाह सुन उसके फरियाद क्या है। फिर अल्लाह बोलेंगे मेरे हबीब उठ जाइए, क्या है आपकी मुराद, में सुनने के लिए तैयार। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि अल्लाह बख्श दे मेरे उम्मतियों, अल्लाह बोलेंगे बख्श दिया मैंने आपके सबके तुफेल में आपके 70,000 उम्मतियों। फिर बोलेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्श दे अल्लाह मेरे उम्मत, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमाएंगे बख्श दिया आपके सबके तुफेल में 70,000 आपके उम्मतियों। फिर सरकार फरमाएंगे नहीं, फिर अल्लाह फरमाएगा कि ठीक है जाओ, इनके जो जो उम्मत के दिल में रही बराबर भी ईमान है उसको लेके जन्नत में डाल, है किसके दिल में रही बराबर ईमान। सरकार ने फरमाया मैं 3 जगह हशर के मैदान में खड़ा रहूंगा, एक पुल सरात के रास्ते पर, जिब्रील को हुक्म दे दिया जाएंगे पर फैला के खड़ा रहूँ ताकि पुल सरात के रास्ते जो कट के नीचे गिरेंगे मेरी उम्मत है उनको जहन्नुम में गिरने से पहले पकड़ लेना। दूसरा मैं हौज़े कौसर का जाम पिलाता हूँ मोहम्मद। तीसरा मैं अल्लाह के सामने लोगों को बख्शा के लेता हुआ। तो अब बताओ जब ये ऐसा आलम रहेगा हशर का दिन, हक है और बरहक है और होने वाला है, तुम आपकी कहानियां और किस्से में सुना रहे, जो हक है आने वाला फ्यूचर वो बता दूँ आपको, कयामत का रोज जो रहेगा यौमुल क़ियामा, तो उस दिन जब ऐसा होगा ये सब आलम चलेगा, और जब सरकार तुमको बोल देंगे कि तुम हमें से नहीं है, तुम्हें जादू टोने का लोगों को परेशान कर, तो कहाँ जाएंगे फिर तुम, कौन बचाने वाला तुम आपको, कौन सा पैगम्बर तुम्हारी सिफारिश करेगा, सारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे खुद, उनसे भी जो गलतियाँ हमें बख्शा के लेने को अल्लाह से। अल्लाह सिर्फ जलन जलाल जब चढ़े आला रहेंगे अल्लाह को, तो अल्लाह का जलाल सिर्फ अल्लाह के जमाल के सामने ठंडा होने वाला है, बाकी तो कोई उसके सामने नहीं ठहर सकता फिर अल्लाह के जलाल के। तो तुमको सरकार बोलिए कि तुम हमें से नहीं जाओ, मैं तुम्हारी शिफात नहीं करूंगा, क्योंकि सरकार ने फरमाया जो जादू करता है या जो जादूगर के पास जाता है वो हमें से नहीं, हमें से नहीं, हमें से नहीं, राष्ट्र के दिन में उसकी शफात नहीं करूंगा, लगा लो तुम्हें इस पे से अंदाजा। इसलिए मैंने तुम्हारा ये पूरी वाकयात बयान करा, इसलिए कहने सुनने ज्यादा अल्लाह को अमल करने को देते। और जो लोग हैं जिन पे जादू चल रहा है वो बेवकूफों को भी समझना ना, पहले से इबादत की रस्सी मजबूती से थामो ना, तुम घर से बाहर निकलते टाइम पे दुआ पढ़ के निकलो, जैसा फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ो, फजर के बाद से जो सो रहे तो 10-10, 12-12 बजे तक, अरे रात में जग रहे 2-3 दिन में, अल्लाह के घर से जगो इबादत में जगो तो तुम्हारी दुनिया आखिरत दोनों बन जाएंगी। फजर के बाद मामूल बनाओ कम से कम एक बार सूरह यासीन पढ़ने का, और मगरिब के बाद एक बार मामूल बनाओ कम से कम सूरह यासीन पढ़ने का एक बार, फिर कौन तुम्हारे पे जादू चला था, कैसा जादू चलता देखेंगे। तू जादू चल जाने के बाद पढ़ेंगे तो फिर उन्हें पढ़ने देते नहीं, तुम्हारे चलने से पहले पढ़ो तो चल नहीं सकता तुम्हारे ऊपर, समझे। ये मैंने सब प्रैक्टिस के अंदर देखे वाली हूँ बातें बहुत सारे, इसलिए तुमको बताता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तजुर्बा अल्लाह ने दिया इस मामले के अंदर, जो मैंने देखा हो तुम नहीं देख सकते, मैंने प्रैक्टिकल देखे वाली हर चीज़। चलो ठीक है, अल्लाह कहने सुने ज़्यादा सब लोग अमल करने के। नमाज़ा पढ़ने आते क्या, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, नहीं 5 टाइम की पढ़ो, कुरान आती पढ़ने नहीं आती, कब सीखने वाले, इंग्लिश आती क्या, मोबाइल आता क्या चलाने, गाने याद है क्या पूरे, आधे याद होंगे, कुरान भी याद करने का ना, ऐसा तो सुन लिए ना अभी क्या क्या दास्तान देंगे ना। खैर चलो अमल करो, बता दो अंदर से बैठ कर आता, ठीक है। अभी एक बार पूछोगे अब वो बच्चे जाएंगे उसके घर में, अब जिठाने तो वहां से तो अलग कराओ चुल्ला वाला जो भी, तो क्योंकि देखो मेरा कुछ लेना देना नहीं, मैं तुमको बता दिया दास्तान, तुम्हें खुद देखे कौन है क्या है क्या नाम निकला, मेरे को उससे कुछ लेना देना तुम्हारी जिठाने रहो क्या रहो, और मैं तो बता रहा नहीं था नाम, तुमने बार बार फोर्स करके पूछे बरोबर, वो भी है रिकॉर्डिंग के अंदर, तुम पूछ रहे थे फोर्स करके, और उसका शोहर पूछ रहा था फोर्स करके कौन डाला नाम बोलो, अब आ गया नाम, अब जो भी है बताता हूँ मैं क्या करने का, इबादत कैसे करने का, उसे हमला कैसे करने का, इबादत सबसे बड़ी ढाल, कैसा बचना सबसे बड़ी ढाल इबादत, और इबादत में सबसे आला अफजल नमाज और कुरान,
और उस कुरान का दिल सूरह यासीन। ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे क्योंकि दुनिया बनने से 1000 साल पहले अल्लाह ने खुद सूरह यासीन पढ़ा था। है पूरा कलाम अल्लाह का, मगर दुनिया बनने से 1000 साल पहले अल्लाह ने सूरह यासीन पढ़ा था। तो सूरह यासीन की बहुत बड़ी फजीलत है, क्या मालूम तुम्हारे लोगों को, अमल करो। चलो ठीक है, कहाँ से आए थे, सिर को दुपट्टा डालो, कहाँ से आए थे? ये कौन है, ये वो याद आ गया सब। अस यहाँ पढ़ते टाइम पे क्या हो रहा था, कुछ याद है कि अंदर आए टाइम पे? हाँ पढ़ा भी याद नहीं, सवाल जवाब बुला ले, कुछ कुछ मसला याद नहीं। ये 100% हाजिरी आई थी, 100% आया था, तो 50-80% आता तो पेशेंट का दिमाग काम करता मगर जबान उसके कंट्रोल में रहती, उन्हें बात करता। और ये जो याद नहीं रहता वो 100% आया वाला कान पे हाजिरी, तो ये 100% था। चलो खैर, पेशेंट को कुछ भी याद नहीं क्या हुआ क्या नहीं।